देश में कोरोना की और भी लहरें आ सकती है। आने वाले कुछ महीने मुश्किलात के हो सकते हैं। WHO की भारत को वार्निंग। आदाब, मैं सलमा कच्छी लंत्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों की तादाद थोड़ा कम होना शुरू हुई है, मगर उसके बावजूद WHO ने भारत को वार्निंग दी है कि आगे चलकर यहां कोरोना की अगली लहर भी आ सकती है। बीच में यहां पर कोरोना मरीजों की तादाद एक दिन में 4 लाख से ज्यादा पहुंच गई थी, मगर धीरे धीरे ये तादाद कम होकर 3 लाख तक आ गई है, मगर यहां पर मरने वालों की तादाद 4000 से ज्यादा ही है। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामी के मुताबिक COVID-19 की अगली लहर यहां पर दस्तक दे सकती है। उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि आने वाले 6 से 18 महीने इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं। द हिंदू को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि इस बीमारी के वायरस के फैलाव पर भी ज्यादा डिपेंड है कि आने वाली लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। वैक्सीनेशन लेने से हम इस बीमारी का किस हद तक मुकाबला कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। हो सकता है कि 2021 तक इस बीमारी का खात्मा भी हो जाए। तब तक दुनिया की 30% आबादी वैक्सीनेटेड हो जाएगी, तब तक हम मरने वाले लोगों की तादाद में भी गिरावट देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 से वैक्सीनेशन में तेजी आ सकती है, मगर हम अभी जिस मरहले में हैं, वहां हमें बहुत सारी मुश्किलात आ सकती है। इसके इन्फेक्शन पर काबू पाना या इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी और उस पर पूरी तरह से लगकर काम करना होगा। हम जानते हैं कि वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी और कोरोना इन्फेक्शन से बनने वाले नेचुरल व्हील पावर की मुद्दत कम से कम 8 महीने तक रहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं। इलाज के प्रोटोकॉल पर बात करते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि लोगों के लिए समझना जरूरी है कि एक गलत दवा का गलत वक्त पर इस्तेमाल करने से उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर की जा रही दवाइयों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कोई भी बीमारी से मुकाबला करने के लिए WHO का प्रोटोकॉल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर की जा रही दवाइयों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कोई भी बीमारी से मुकाबला करने के लिए WHO की प्रोटोकॉल का सहारा ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज, मुंबई।